कराची के साहिल पर, साहिल के इस किनारे जहाँ खड़े हुए हैं, हमारे बैकअप पे आप देख सकते हैं समंदर का पानी है। और ये वही पानी है कि जिसके बारे में अमूमन लोगों का ख्याल होता है कि भाई ये पानी कहाँ से आता है, भाई ये पानी कहाँ से आता है, ये सवाल आज तक और इसका हल नहीं निकल सका। ये पानी कहाँ से आता है और इतना सारा पानी आता भी कहाँ से है, हमें भी बड़ी परेशानी हुई है सोच करके ये पानी इतना सारा आता कहाँ से है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को जो बताना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हैं, वो ये हैं कि जहाँ हम खड़े हुए हैं ये जगह कहलाती है सी व्यू, और इसी के साथ यानी मेरे उल्टे हाथ पे जो इलाका है ये दूर दूर तक ये इलाका कहलाता है क्लिफ्टन का। और इसी तरह से इस तरफ वाला जो पीछे वाला इलाका है यानी दूसरी साइड का, ये एक इलाका कहलाता है दो दरिया का। इनमें फर्क ये है कि जो क्लिफ्टन का इलाका है वहाँ पर अमूमन बहुत ज़्यादा आवाम लोग होते हैं, जो शहरी इधर उधर से आते हैं वो वहाँ पर ज़्यादा स्टे करते हैं, वहाँ ज़्यादा जाते हैं सियाहत के लिए, सैर के लिए, और वहाँ पर कचरा बहुत ज़्यादा होता है। और एक और चीज़ है कि अगर आपको नज़र आ सके वहाँ दूर तक, तो यहाँ पर एक होटल बना हुआ है, इस होटल का गंदा पानी भी उसी सैल के पास ही जा करके अंदर गिरता है, और इस लिहाज से ये बहुत ही गंदा सैल है, वो क्लिफ्टन का इलाका बहुत ही गंदा है और इंतहाई अजीब सा वहाँ पर लुक होता है, बल्कि बदबू भी होती है, स्मेल भी होती है बहुत ज़्यादा वहाँ पर उस गटर पानी की वजह से। और ये जो इलाका है सी व्यू वाला, ये थोड़ा सा साफ है, मगर बड़ी हैरत हुई है ये देख करके कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कचरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और सफाई करने वाले सफाई कर तो रहे हैं मशीन से, मगर बड़ा कचरा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और इस कचरे की वजह से काफ़ी बात सुनाई भी देती है, कुछ लोग इस पे काम भी करते हैं, मतलब आते हैं सफाई वगैरह करते हैं, मगर हक बनता है शहरियों का कि वो इस कचरे का ख्याल रखें, मतलब इस तरह कचरा ना फैलाएं। ये साहिल भी हमारा अपना है और ये किनारा भी हमारा अपना है और इसका सफाई का ख्याल भी हमें ही रखना है। तो ये है यहाँ के इश्यूज और यहाँ का मसला। इसी तरह से अगर आपको समंदर के अंदर जाना है तो अमूमन ये होता है कि रोड के किनारे ही आपको रुकना पड़ता है और वहीं से ही आपको उस रोड के किनारे से ही आपको रुक के वहाँ पर अपनी बाइक गाड़ी जो भी है वो खड़ी करके आनी पड़ती है। मगर आज हमने क्या किया कि वहाँ किनारे से ही वहाँ से हम अपनी गाड़ी जो है वो लेके आए हैं, और ये यहाँ पर हमारी गाड़ी भी बिल्कुल यहाँ आ चुकी है, ये इस समंदर के बीचों बीच, बल्कि बीचों बीच नहीं किनारे पर। आपको एक चीज़ बताता चलूँ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ के हवाले से लोगों का ख्याल है कि साहिल समंदर का किनारा, तो ये लफ्ज़ गलत है, साहिल समंदर ही किनारा ही होता है। बहुत शुक्रिया।